मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। ठोक कर और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर दे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धार्मिक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री ने इसका आयोजन 7 दिनों के लिए करवाया है और संकल्प क्या लिया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, उनके भक्त, उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं इस महायज्ञ। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया और उसे पूरा करने की मुहिम में जुट भी गए। धाम में यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वमंगल नामाग्नये विश्वानराय नमः। अद्य पूर्वोच्चारिते गुण गण विशेषणविष्टायां। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ जो खास यज्ञ हो रहा है उसके लिए दूर दूर से यज्ञाचार्य बुलाए गए हैं जो पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करवा रहे हैं। यह सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का यह संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है सनातन धर्म के लिए। महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का ही महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ही स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर भी लगाए गए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए खास आयोजन 7 दिनों का है। 5 दिनों तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। बाबा ने जो कार्यक्रम तय कर दिया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को धाम में 121 बेटियों की शादी करवाई जानी है। उस आयोजन के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। बाबा को उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम में श्रद्धालुओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी तादाद में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में उमड़ रहे हैं। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक।